हूं जुबी और आप देख रहे हैं राष्ट्र आजकल। जबलपुर जिले की सिहोरा और मंदसौर जिले की गरोट तहसील को 1 अक्टूबर 2003 को मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने जिला बना दिया था और आचार संहिता लग जाने के कारण तत्कालीन सरकार द्वारा गठित राजनीतिक समिति ने 1 जनवरी 2004 से दोनों तहसीलों के अस्तित्व में आने और कलेक्टर SP की पदस्थापना करने का निर्णय लिया था। परंतु आज 18 वर्षों बाद भी मध्य प्रदेश की सरकारों ने कलेक्टर और SP की पदस्थापना नहीं की। 18 वर्ष पूर्व निर्णय का पालन करते हुए सिहोरा को जिला का दर्जा दिया जाए। धरना स्थल से अपने उद्बोधन में समिति के विकास दुबे ने कहा कि सिहोरा और गरोट को जिला बनाने के लिए मांगे गए दावे आपत्ति के बाद सिहोरा जिला की चतुर्थी में निर्धारण कर मध्य प्रदेश का राजपत्र देना 11/7/2003 को जारी किया गया था। इस राजपत्र में संपूर्ण बहोरीबंद, संपूर्ण मझोली और संपूर्ण ढीमरखेड़ा को सिहोरा में शामिल किया गया है। इस राजपत्र को आज तक निरस्त नहीं किया गया है। सिहोरा वास्तव में जिला है और इसमें शेष सभी औपचारिकताएं पूरी कर जिला दर्जा दिया जाना चाहिए। लक्ष्य जिला सिहोरा आंदोलन समिति ने एक बार पुनः घोषणा की कि आगामी 17 मई को सिहोरा जिला की मांग पर विशाल रैली निकाली जाएगी। इसकी तैयारी के लिए समिति ने संपूर्ण सिहोरा को बैनर पोस्टर से पाट दिया है। भारतीय किसान संघ में पहुंचा सिहोरा जिले के धरने में भारतीय किसान संघ महाकौशल प्रांत के सिहोरा तहसील अध्यक्ष सुरेश पटेल ने धरना स्थल पर पहुंचकर सिहोरा जिला की मांग का समर्थन किया और वचन दिया कि आगामी 17 मई की रैली में उनका संघ पूरी संख्या बल के साथ शामिल होगा। 30वें धरने में नंद कुमार परोहा, रमेश बर्मन, रामजी शुक्ला, अनिल जैन, नेत्राम दाहिया, अमित बख्शी, AK शाही, राजेश गर्ग, अजय कुमार गुड्डू, संकी जैन सहित अनेक सिहोरावासी मौजूद रहे। और मातृशक्ति हो ये बात आपको ज्यादा सतर्कता से समझ में आना चाहिए। तो घूमता है इस बात का कि 7-7 महीने आंदोलन चल रहा है, बात आ रही है, ना तो हुक्ते हो ना करते हो, ना गलत कहते हो ना सही कहते हो, ना सामने आते हो ना पीछे कहीं देखते हो। अरे क्या पक्षियों के पक्षियों के धरना प्रदर्शन में चले जाते हैं, न तो पक्षियों की बात सुनने चले जाते हैं। और हम कौन है भैया, हमारा मुंह देखिए, हमको पहचानिए। रखिए देश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर पर नजर सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। और अगर आप हमारा चैनल Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें। और अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़े राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।